आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट एंड फिगर पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और उसके साथ में एक कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज पैटर्न क्लस्टर उसको डिस्कस करेंगे अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे कि पी एंड एफ़ सेटअप क्या होता है सेटअप के बाद बुलिश बैरिश सेटअप्स ये समझ में आ जाते हैं फिर हमने काफ़ी सारे पैटर्न्स को डिस्कस किया कुछ इंडिकेटर्स को डिस्कस किया आज पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के बेसिस पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद काफ़ी सारे इंसाइट्स हैं मेरे वो मैं शेयर करता रहूँगा इस वीडियो में अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं और मैं बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़लेटर्स भी लिखता हूँ अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर करिए बिल्कुल फ्री है हफ्ते में मैं दो बार दो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लिखता हूँ और उसको ई मेल भेजता हूँ तो अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन अगर हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट को देखेंगे तो दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मतलब हम सिर्फ प्राइस को प्लॉट कर रहे हैं जब हम प्राइस को प्लॉट करते हैं सिर्फ प्राइस को प्लॉट करते हैं विद इन इंडिपेंडेंस फ्रॉम टाइम तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशनस डेवलप हो सकते हैं काफ़ी ऑब्जर्वेशन काफ़ी हद तक हमें ब्रेकआउट्स भी दिख सकते हैं चार्ट पे जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन पी एंड एफ चार्टस तब हमारा ज़्यादा जो कोशिश होती है कि हम ये देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है कितने लेवल पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में जब हम मल्टी टाइम फ्रेम बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग अलग टाइम पीरियड में देख रहे हैं या तो टाइम इंटरवल्स में देख रहे हैं हम हालांकि अलग अलग बॉक्स साइजेस पे देखते हैं सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑन पी एंड एफ चार्ट इज बिन डन बाई चेंजिंग द बॉक्स साइजेस मतलब अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग का बॉक्स साइज अगर 0.5 परसेंट है तो उसका ऊपर का एक बॉक्स साइज हो जाएगा 1 परसेंट उसके ऊपर का बॉक्स साइज हो जाएगा 3 परसेंट अब हम बॉक्स साइज के बेसिस पे क्यों टाइम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं क्यों बॉक्स साइज अब हमें यह जानने की जरूरत है कि जो पी एंड एफ चार्ट होते हैं दिस आर थ्री बॉक्स रिवर्सल दैट वी यूज मतलब हर एक बॉक्स जब अगर हम कॉलम ऑफ एक्स में है कॉलम ऑफ एक्स से अगर हमें कॉलम ऑफ ओ में आना है तो थ्री टाइम्स उल्टा मूव देना पड़ेगा अगर हम कॉलम ऑफ एक्स में है एंड अज्यूमिंग दैट वी आर प्लॉटिंग अ वन परसेंट साइज मतलब हर एक प्राइस हर एक परसेंट प्राइस ऊपर जाएगा तो हम एक एक्स तो प्लॉट करेंगे बट जब हमें एक्स से ओ में आना होगा तो हमें कम से कम थ्री परसेंट करेक्शन चाहिए होगा फ्रॉम द रिसेंट हाइक ऑफ दैट एक्स कॉलम इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम रिट्रेसमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में यह भी बहुत लॉजिक क्लियर हो जाता है कि अगर हम थ्री परसेंट का चार्ट देख रहे हैं और अगर वो एक्स के कॉलम से ओ के कॉलम में आएगा तो कम से कम टॉप से नौ परसेंट का करेक्शन होना चाहिए वैसे अगर हम वन परसेंट के चार्ट पे देख रहे हैं तो थ्री परसेंट का करेक्शन होना चाहिए पॉइंट फाइव परसेंट के चार्ट पे देख रहे हैं तो कम से कम वन एंड हाफ परसेंट का करेक्शन होना चाहिए इसके साथ में एक टाइम फ्रेम भी जुड़ जाता है कि हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं या तो वन मिनट का टाइम टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि जब हम टाइम के बेसिस पे चार्ट को देखते हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि हम ये चेक करते हैं कि ये जो कंडीशन है ऑफ कंटिन्यूएशन बॉक्स साइज और रिवर्सल बॉक्स साइज वो कितने इंटरवल में चेक करनी है उसका ही कंडीशन है बाकी वो प्रिंट कब होगा जो भी हमने बॉक्स साइज डिसाइड किया है उस हिसाब से प्लॉट होगा तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पी एंड एफ चार्ट में कि जब भी हम पी एंडफ़ चार्टस प्लॉट करते हैं तो दे आर इधर एनालाइज्ड ऑन वन पर वन मिनट और दे आर एनालाइज्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम अब इसके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे आप उसको एनालाइज तो कर सकते हो बट वो ट्रेड करने में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएंगे अगर आप कोई भी बॉक्स साइज़ या आप कुछ भी लगा रहे हो एक चार्ट आइडेंटिफाई ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो बेस्ड ऑन फिफ्टीन मिनट टाइम इंटरवल दैट मीन्स द चार्ट विल नॉट लॉक अंटिल फिफ्टीन मिनट्स ऑफ दैट टाइम पीरियड इज ओवर वन मिनट का चार्ट मतलब हर एक एक मिनट के इंटरवल पे वो चेक करेगा कि हमें कंटिन्यूएशन बॉक्स साइज प्लॉट करना है या रिवर्सल बॉक्स साइज सो आई होप इतना क्लियर हो रहा है अब हम हमारे चार्ट्स की तरफ जाते हैं और मैं यहाँ पे आपको कुछ इनसाइट्स बताने की कोशिश करता हूँ अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं मैं आया हूँ लेकर टी एन टी वन मेंबरशिप जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक स्ट्रिक रेंको एंड पी एंड एफ चार्ट सीख सकते हैं हम हर हफ्ते मिलकर वीकली एनालिसिस करेंगे हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू टी एन टी वन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन अब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं सो so, बजाज ऑटो का मैंने चार्ट ओपन किया है ऑन थ्री परसेंट वन परसेंट एंड पॉइंट फाइव परसेंट इसके साथ में मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी चार्ट ओपन किया है विच इज ऑन वन परसेंट बजाज ऑटो वर्सेज निफ्टी फिफ्टी और आइडिया ये है कि जब भी ये जो चार्ट है वो मस्त क्लाउड में हो तो हमने दो टाइम फ्रेम पे मस्त क्लाउड लगाए हुए क्योंकि जो इंटर सबसे छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उधर आप एक मस्त क्लाउड लगा दो क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड फिल्टर हम कर रहे हैं इसके साथ में आर एस के चार्ट पे मस्त क्लाउड लगाए और रीजन बहुत सिंपल है और इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है ऑफ हाउ टू एनालाइज बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ अब हमारा एनालिसिस यहाँ पे सिंपल है कि अगर प्राइस मस्त क्लाउड बुलिश मस्त क्लाउड में ट्रेड हो रहा होगा या तो इसके ऊपर मतलब क्लाउड अभी एक्टिव क्लाउड जो है अगर वो बुलिश हुआ इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है बजाज ऑटो वो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी फिफ्टी को बस इतना ही अपना एनालिसिस है अब इसके साथ में ये थ्री परसेंट का चार्ट एंड वन परसेंट का चार्टे थ्री परसेंट इज अ वेरी बिग टाइम फ्रेम ये आपको इन्वेस्टिंग वाला टाइम फ्रेम पे ले जाता है कि आप यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करके आप होल्ड कर सकते हो कई सालों तक वो वाला चार्ट है वो वाला टाइम फ्रेम है ये अगर हम इसे कैंडल के साथ कंपेयर करें तो शायद मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हो क्योंकि इस पर ब्रेकआउट्स आते तो कभी काफ़ी टाइम के बाद आते हैं सो ये एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है वन वन परसेंट का जो चार्ट है वो एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है और पॉइंट फाइव परसेंट डेली टाइम फ्रेम इज अ वेरी शॉर्ट टर्म स्विंग चार्ट है ये तो ये हम पॉइंट फाइव डेली समझ लेते हैं ये स्विंग चार्ट है वन परसेंट इज़ अ पोजिशनल चार्ट कि हम एक पोजिशन बिल्ड कर रहे हैं तो शायद एक क्वार्टर दो क्वार्टर तक होल्ड करेंगे और थ्री परसेंट का चार्ट है वो कुछ सालों का एनालिसिस कर रहे हैं ठीक है एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं अब अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए बजाज ऑटो ऑन थ्री परसेंट चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम ठीक है ये कॉलम देखिए दिस इज अ थर्टी थ्री एक्स कॉलम अब ये थर्टी थ्री एक्स बने हुए हैं और तीन परसेंट का चार्ट है मतलब नाइन्टी नाइन परसेंट की मूव है और इसका हाई और लो अगर हम डेट्स चेक करते हैं तो ये टॉप के लेवल पे हमें हाई और लो की डेट्स भी दिख रही है तो ये जो कॉलम बनना शुरू हुआ था वो ट्वेंटी सेवेंथ जैन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री था और अभी भी ये कॉलम कंटिन्यूएशन चल रहा है दिस इज अप्रैल अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एक साल चार महीने हो गए हम अभी भी इसी कॉलम में हैं। अब चीज़ है अब इंटरेस्टिंग चीज क्या समझने की एक साल चार महीने में एक भी ऐसा दिन नहीं था क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि एक भी ऐसा दिन नहीं आया जहां से टॉप से ये स्टॉक ने नौ परसेंट का रिवर्सल लिया हो कि जब भी हम कॉलम ऑफ एक्स में है ये अभी तक कॉलम ऑफ ओ में रिवर्स नहीं हो मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई जो भी इसका हाई है अभी इस यहां पे जब भी बंद रहा होगा तो शायद अभी चार हजार के लेवल पे हो पांच हजार के लेवल पे हो छ हजार के लेवल पे हो कुछ भी जो भी लेवल्स पे है वहां से इसने एक भी बार पिछले एक साल चार महीने में नौ परसेंट का रिवर्सल नहीं किया और नौ परसेंट का रिवर्सल करके एक दिन के एंड में क्लोज नहीं किया तो हमें कितनी स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहां पे, और इसके साथ में अगर ये चार्ट को अगर हम और थोड़ा सा जूमआउट करके एनालाइज करें ऑन थ्री परसेंट चार्ट दिस इज द पॉइंट कि ये चार हजार का लेवल है यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है स्टॉक में सो दिस इज़ गिविंग अस एन इन्फॉर्मेशन कि जब भी प्राइस चार हज़ार को मतलब अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे के जब गया उसके बाद एक भी ऐसा दिन नहीं था कि जो जहाँ पे ये स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई से रिसेंट ऑल टाइम हाई से 9 परसेंट का करेक्शन किया अगर करेक्शन किया होता तो हम कॉलम ऑफ ओ में आ जाते तो एक इन्फॉर्मेशन ये मिल रही कि बहुत स्ट्रांग ट्रेंड में तो जब भी ये चल रहा था और हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं द मोमेंट वी हैव क्रॉस्ड अबाउट दिस 4000 लेवल तो यहां पे पैटर्न क्या बनता है इट्स अ टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है और ये सारे आई बटन में अभी मैं दे दूंगा इसको अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज दिस प्राइस एट ऑल टाइम हाई मतलब यहां पे अगर हम डबल टॉप बाय वैल्यूज देखते हैं तो 4400 का है दैट मीन्स इफ द प्राइस हैज गॉन अबाउ फोर्टी फोर हंड्रेड इट वुड है टर्टल बुलिश पैटर्न विच इट हैज फॉर्म टर्टल बुलिश तो 4400 के लेवल के ऊपर एक टर्टल बुलिश पैटर्न बन गया तो एक बड़ा कंसॉलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया और कौन से टाइम फ्रेम पर हुआ है एकदम सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर हुआ है जहां पर इन्वेस्टिंग हो सकती है अभी फोर्टी का लेवल वन के चार्ट ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि 4400 का लेवल इज समवेर हियर राइट कि इधर ऑब्जर्व करते हैं ये तो 4500 है अगर 4400 देखते हैं तो ये लेवल है तो यहां पे भी दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है उसका ब्रेकआउट मिल चुका है एंड इट हैज फॉर्मड एन एंकर कॉलम एंड आफ्टर दिस एंकर कॉलम यू हैव अ मिनी बॉटम ऑल्सो कि एक मिनी बॉटम बन चुका है क्योंकि ओ सेम लेवल एंड देन अ डबल टॉप बाय तो एक मिनी बॉटम भी बन गए तो काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न 4500 से लेके 5000 के बीच में बना है कि जहां पे मेजरली 4500 के आसपास ही बनाया ये कि एक मिनी बॉटम पैटर्न बन गया है एक ऑल टाइम हाई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जब जब भी बड़े टाइम फ्रेम में एक टर्टल पैटर्न बन गया कि टर्टल बुलिश बहुत बड़े टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन आ गया तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके मिनी बॉटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पे कहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो रहा है और कैसे प्राइस आगे मूव हो रहा है बिकॉज bear traps और ओज एट सेम level एंड देन a डबल टॉप buy इवेंचुअली gives इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनी बॉटम तो यहाँ पे एक मिनी बॉटम बना हुआ है अब इसके बाद अगर हम पॉइंट फाइव परसेंट के चार्ट में जाते हैं जो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है एक स्विंग चार्ट है और यहाँ पर जाके ऑब्जर्व करते हैं तो विल गेट सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे देखेंगे ये एक हाई बना हुआ है एट फोर्टी टू फिफ्टी फोर्टी टू हंड्रेड एंड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इसके ऊपर जैसे ही प्राइस गया तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज अ अ बेल ट्रैप पैटर्न विच इज अ मिनी बॉटम अगेन दिस इज अ मिनी बॉटम गेटिंग फॉर्म्ड तो अगर हम मिनी बॉटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक बॉटम बन रहा है बट इवेंचुअली अगर हमें क्लस्टर देखना है पैटर्न क्लस्टर मतलब बड़ा टाइम फ्रेम बुलश है छोटे उससे एक छोटे टाइम फ्रेम में एक कंसॉलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है और उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाए और अगर यहाँ पर भी कंसॉलिडेशन ब्रेकआउट मिलता है या तो कोई ट्रैप पैटर्न मिलता है या तो कोई डबल टॉप बाय पैटर्न मिलता है देन ऑल द पैटर्न आर ट्रेडेबल क्योंकि आप समझिए कि आप बड़े बॉक्स है इसके डायरेक्शन में क्योंकि बहुत बड़े टाइम फ्रेम ने एक ब्रेकआउट दे दिया ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया या तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे दिए तब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके सारे डबल टॉप बाय पैटर्न स्ट्रेट कर सकते हैं और इवेंचुअली जो भी रीसेंट मिनी बॉटम है या तो इसके साथ मस्त क्लाउड है मस्त क्लाउड का एल टू लेवल कैन बिकम आर स्टॉप लॉस सो देर आर इंटरेस्टिंग वेज टू ट्रेड एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पैटर्न क्लस्टर और आज की वीडियो में मैं आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़े टाइम फ्रेम में जब बुलिश ट्रेंड चल रहा है तब हम छोटे टाइम फ्रेम में आके ब्रेकआउट स्ट्रेट कर सकते हैं दिस आर क्लस्टर ऑफ जो हम ट्रेड कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस टाइम पे अगर ये मस्त क्लाउड अगर बुलिश है आर एस चार्ट पे तो हमें चार्टे भी पता चल रहा है कि स्टॉक को एक टेलवेंड है रिलेटिव स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है अब एक अगला स्टॉक है वो हम ऑब्जर्व करते हैं विच इज अपार इंडस्ट्रीज अपार इंडस्ट्रीज में भी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं वी हैव अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पैटर्न और इवेंचुअली ये एक टर्टल पैटर्न है और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है अराउंड 6000 थाउजेंड लेवल्स कि छः हज़ार के ऊपर इधर इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे दिए। अगर हम 1% परसेंट के चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं वी ऑल्सो हैव अ कंसॉलिडेशन ब्रेकआउट एट दिस लेवल छः के ऊपर ही एक टर्टल बुलिश पैटर्न बन गया अब जैसे ही 6000 के ऊपर यहाँ पे टर्टल बुलिश पैटर्न मिल रहा है तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अपार इंडस्ट्रीज में 0.5 डेली में अगर हम ये सारे डबल टॉप बाय पैटर्न स्ट्रेट कर सकते हैं कीपिंग द नेक्स्ट डबल बॉटम सेल एज टॉप लॉस इज ट्रेडेबल पैटर्न क्योंकि आपने क्या कर लिए बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में आपने अलाइन हो गए हो सो टेक्निकली यू आर ट्रेडिंग वेन हायर टाइम फ्रेम सेटअप इज़ बुलिश द इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम सेटअप इज ऑल्सो बुलिश द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम जहां पे सेटअप अभी न्यूट्रल से बुलिश होने वाले वहां पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो सो मे बी हम ये भी देख सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है वो बुलिश है और छोटे टाइम फ्रेम में सेटअप न्यूट्रल है और जब भी यहाँ पे डबल टॉप बाय ट्रिगर होगा हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके साथ में अगर हमने एक और कंडीशन ऐड कर करी और देख ली कि अपार इंडस्ट्रीज वर्सेस निफ्टी फिफ्टी और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग बिकॉज वी आर इन बुलिश क्लाउड अगर ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप्स बन भी सकते हैं और इसको हम बोलते हैं पैटर्न क्लस्टर अब एक और नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं अमर राजा बैटरीज पहले अमर राजा बैटरीज था सो इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ऑन अ थ्री परसेंट चार्ट एट दिस पॉइंट ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है जो अभी आगे गए एक हज़ार के ऊपर प्राइस गए इसके साथ में एक यू शेप फॉर्मेशन हुआ एंड अगेन वी हैव अ टर्टल एट समवेयर अराउंड सिक्स हंड्रेड लेवल्स कि सिक्स हंड्रेड के लेवल पे एक ब्रेकआउट हुआ बट अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास में इसी के साथ में जब हम यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास में देखते हैं तो कौन से पैटर्नस अभी बन रहे हैं ऑन वन परसेंट एंड पॉइंट फाइव परसेंट तो यहाँ पे वन परसेंट पे वी आर इन कॉलम ऑफ ओ विच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे सेटअप न्यूट्रल है और जब भी ये वाला जो टाइम फ्रेम है यहां पे सेटअप न्यूट्रल है देन वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर कंसोलिडेशन हियर और जैसे ही यहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता है दिस पैटर्न टर्न्स टर्न बुलिश विच इसशियली विल बिकम अ पैटर्न क्लस्टर पैटर्न क्लस्टर मतलब क्या है कि सारे टाइम फ्रेम जिसको भी आप एनालाइज कर रहे हो वो सारे एक साथ बुलिश टर्न हो जाते हैं हालांकि जो बड़े दो टाइम फ्रेम्स हैं थ्री परसेंट एंड वन परसेंट दे आर ऑलरेडी बुलिश जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम है वो भी बुलिश टर्न करता है तो हम इसको बोलते हैं पैटर्न क्लस्टर विथ दैट वी आर एडिंग वन मोर कंडीशन जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्टॉक अभी रिलेटिवली आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं तो अब चलते हैं अग, अगले स्टॉक की तरफ विच इज और को ऑब्जर्व करते हैं कि तीन परसेंट के चार्ट नाउ वी आर अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय पैटर्न कि यहाँ पे डबल टॉप बाय पैटर्न आने वाला है अभी तक नहीं, है नहीं न्यूट्रल सेटअप है छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पर भी एक तरीके से सेटअप बुलिश है क्योंकि एक डबल टॉप बाय पैटर्न बन चुका है प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो सेटअप जो है वो बुलिश है इसके साथ में जब भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आएगा तब उसके साथ में यहाँ पे भी एक टर्टल पैटर्न फॉर्म हो जाएगा विच विल मेक द पैटर्न क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप बुलिश हो चुका है तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब थ्री परसेंट के चार्ट में डबल टॉप बाय पैटर्न आ जाए अभी साथ साथ में क्या बता रहे हैं कि ये जो स्टॉक है इसके ऑल टाइम हाई के पास में प्राइस ब्रेकआउट दिया वापस से इट रिवर्स इन टू कॉलम ऑफ हो मतलब एक शैलो रिट्रेसमेंट हुआ और क्योंकि तीन परसेंट का चार्ट है अब शैलो रिट्रेसमेंट मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि इस चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक ने सिर्फ बारह परसेंट का करेक्शन किया क्योंकि चार ओज बने हुए तो बारह परसेंट का करेक्शन किया वापस से प्राइस रिवर्स हो गया इन कॉलम ऑफ एक्स एंड अगेन रीज इट्स ऑल टाइम हाई और यहां से भी ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी में है अगर हम इसी चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं पॉइंट फाइव पे तो वी हैव अ लार्जर कंसोलिडेशन और यहाँ पे टर्टल पैटर्न बनने जा रहे हैं और इसके साथ में अभी ये स्टॉक जो है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं निफ्टी फिफ्टी को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पैटर्नस बनते हैं तो इन इन इसको हम बोलते हैं पैटर्न क्लस्टर एकदम सबसे जो दो बड़े टाइम फ्रेम है वो बुलिश हैं बुलिश पैटर्नस भी एक्टिव हैं और छोटे टाइम फ्रेम में न्यूट्रल सेटअप है और जब भी यहाँ से न्यूट्रल्स हम बुलिश हो जाते हैं वहाँ पर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक कंडीशन जो मैंने ऐड की है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ की कि अगर स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है तो इसमें वो स्टॉक के चलने के चांसेज बहुत बढ़ जाते हैं अब इसके साथ में एक और स्टॉक हम ऑब्जर्व करते हैं बी का बी के स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं कि ऑन अ थ्री परसेंट चार्ट यहाँ पे पैटर्न कौन सा एक्टिव है डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिव है ऑलरेडी कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस मूव करा है और इसके साथ में जो हमने बजाज ऑटो का जो डिस्कशन किया था वही डिस्कशन आप इधर देखिए कि द लो इज मेड ऑन नवम्बर ट्वेंटी हाई इज मेड इन मार्च मतलब ये कॉलम ऑफ एक्स में कम से कम पाँच महीने क्योंकि तीन महीने 2024 के दो महीने 2023 के तो टोटल पांच महीने हो गए सो फॉर फाइव मंथ्स दिस स्टॉक रिमेन इन कॉलम ऑफ एक्स विदाउट एनी रिट्रेसमेंट ग्रेटर देन नाइन परसेंट और फिर उसके बाद एक कुछ दिन थे मतलब दो ही दिन थे जब ये स्टॉक करेक्ट हुआ और फिर वापस से इसने ब्रेकआउट दे दिया इसके साथ में जब ये कॉलम ऑफ ओ में आया और यहाँ पे बना तो देर इज अ ट्रैप पैटर्न गेटिंग फॉर्म दिस इज अ बेड ट्रैप पैटर्न गेटिंग फॉर्मड विद दैट इफ वी गो टू पॉइंट फाइव परसेंट चार्ट अगर यहां पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक कंसॉलिडेशन टर्टल ब्रेकआउट पैटर्न आया है एंड देन वी हैव अ डबल टॉप बाय पैटर्न एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अगर यहाँ से कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में आ गए तो ऑलरेडी आप बुलिश मोमेंटम एक बुलिश मूव में हो और कहाँ पे बुलिश मूव में हो ऑल टाइम हाई प्राइस के पास में इसके साथ में पैटर्न यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनने जा रहे हैं क्योंकि बनी रहा है वहाँ पे ट्रैप पैटर्न है एंड यू हैव अ डबल टॉप बाय पैटर्न प्राइस रिवर्सिंग इन कॉलम ऑफ ओ अ डबल बॉटम सेल एंड देन अ डबल टॉप बाय सो यहाँ पे भी एक अगर सिर्फ इतना पैटर्न देखते हैं देन वी हैव अब बेल ट्रैप पैटर्न एक्टिव ऑन द चार्ट विद दैट बेल ट्रैप पैटर्न अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हो सो वी हैव अ डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय अ ट्रैप पैटर्न विच इवेंचुअली फॉर्म द टर्टल बुलिश पैटर्न व्हेन द स्टॉक इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग निफ्टी फिफ्टी तो काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड करना चाहते हो मतलब पॉइंट फाइव डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को ट्रेड करना चाहते हो इसका मतलब क्या है कि जब भी प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है थ्री परसेंट के चार्ट पे बहुत बड़े टाइम फ्रेम में क्योंकि हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि जब भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास में होता है या अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में है तो वो कुछ महीनों तक कॉलम ऑफ एक्स में रहता है और अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं दस दिन की पंद्रह दिन की एक महीने की ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम कॉलम ऑफ एक्स में हैं ऑन थ्री परसेंट चार्ट एंड वी आर ट्रेडिंग ऑल बुलिश पैटर्न ऑन द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम विथ टू कंडीशंस कि ये जो पैटर्न बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं वो सेटअप बुलिश होना चाहिए मतलब वहां पे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए सो विच विल टर्न द सेटअप टू बी बुलिश ऑन द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम अगर आप मस्त इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो बट बेसिक कंडीशन ये कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो कॉलम ऑफ एक्स में होना चाहिए उसके बाद जो भी छोटे टाइम फ्रेम पे ऑन पॉइंट डेली टाइम फ्रेम वी ट्रेड बुलिश पैटर्न विथ वन मोर कंडीशन टू इट दैट द स्टॉक शुड रिलेटिवली आउट परफार्म क्योंकि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ एक रिलेटिवली आउट परफार्मिंग स्टॉक में पैटर्न क्लस्टर को ट्रीट करना चाहते हैं अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पहली बार सीखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप पहली बार सीख रहे हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ ये लेकर आता रहता हूँ वीडियोस। और अगर आपने मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही जरूर करिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी लिखता हूँ सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई एल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टी एन टी वन एंड एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का वीकली मार्केट एनालिसिस सेशन का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं सो ज्वाइन टी एन टी वन नाउ लिंक in the description.